गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मेरा कुछ प्लानिंग है। वैसे तो हमेशा मैं जो भी प्लानिंग करता हूँ फेल हो जाता है, लेकिन आज मोस्ट प्रोबेबली होगा, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं होटल आशीष इंटरनेशनल का एक रेस्टोरेंट है द कोल फैक्ट्री। और वहाँ जैसा बारबेक्यू नेशन में बफे सिस्टम होता है, यहाँ भी वैसे ही। तो वहाँ जाएंगे, देखते हैं क्या क्या है खाने को और प्राइसिंग क्या है, वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं जाता हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ऑफिस का काम करूँगा, मम्मी को ड्यूटी से लेके आऊँगा क्योंकि मम्मी गई है फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद मिलता हूँ आपसे। फोन तो आ चुका है, तो अभी जा रहा हूँ मम्मी को लेने, लेके आता हूँ। मम्मी को लेके आ चुका हूँ, मैं गाड़ी अंदर कर रहा हूँ। अरे डूब जा रही है ट्यूशन, तो डूब जा रही है मार्केट। तो फाइनली मैं मसनाद होके तैयार हो गया हूँ और अब जा रहा हूँ बूंद को लेने। उसके बाद चलेंगे, कहाँ जा रहे थे हम लोग, हाँ द कोल फैक्ट्री। तो मिलता हूँ। क्या अब हम लोग जा रहे हैं द आशीष इंटरनेशनल। वही है द कोल फैक्ट्री, वही है, वही है। ठीक है, ये सामने वाला जो रास्ता है वो सीधा जाता है रायपुर, और हम लोग आ रहे हैं दुर्ग साइड से। और राइट साइड में होटल आशीष इंटरनेशनल, इसी के अंदर है द कोल फैक्ट्री। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं द कोल फैक्ट्री, जो कि है आशीष इंटरनेशनल में, और ये इसका एंट्रेंस है। शी इज ऑलवेज ऑन फोन। वाओ, तो बहुत सुंदर है। It has a really nice ambience. सबसे पहले यहाँ पे ड्रिंक्स मेन्यू देते हैं, साथ में मसाला कुल्फी। यहाँ पे बफे का पर पर्सन जो प्राइस है वो 650 रुपीज़ है, नॉन वेज वेज दोनों का। प्रॉन्स का भी ऑप्शन है, मटन का भी ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पे अल्कोहल भी मिलता है, बियर अल्कोहल सारा चीज़ मिलता है, उसके लिए एक्स्ट्रा आपको चार्जेस पे करने हैं, वो इस बफे में इंक्लूडेड नहीं है। तो बढ़िया, पहले क्रिस्पी कॉर्न सर्व करते हैं, फिर ये आलू का समथिंग है जिसका नाम भूल गया मैं, और बूंद मस्त इंजॉय कर रही है। थैंक यू भैया, हाय। सुंदर लग रही है मामा। ये
मशरूम है, ये तो मैं खाया नहीं। ये पनीर है, ये भी मैं नहीं खाया। एक पाइनएप्पल था, उतना अच्छा नहीं है। बारबेक्यू का बहुत अच्छा था। फिर पनीर फिर से कुछ है। ये है चिकन का कुछ तो कबाब, ये अच्छा है। ये ओके ओके। ये फिश है, ये चिकन का कबाब है। ये सबसे पहले था मुर्ग बादामी शोरबा, जो कि चिकन सूप था और बहुत ही लाजवाब था। और इसके बाद चिकन दम बिरयानी, एंड मूविंग फॉरवर्ड इसके बाद था देसी चिकन करी, और उसके जस्ट बाजू में था चिकन मंचूरियन, एंड फिर कुछ टाइप के सॉसेस थे, फिर सैलड, फ्रूट्स, पापड़, फ्रूट रायता, पास्ता, और फिर वेज में नूडल्स, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, जिसको मैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मेन फोकस तो मेरा नॉन वेज पे ही होता है। यार ये चीज़ बहुत टेस्टी थी। मतलब फ्रूट रायता बेस्ट चीज़ है जिसने भी डिस्कवर किया है। तो फाइनली हम लोग यहाँ खा लिए। बहुत अच्छा था खाना, एम्बियंस भी अच्छा था। और अब निकल रहे हैं हम लोग वापस घर की ओर। नहीं, घर की ओर नहीं, अभी तनशा का बर्थडे का शॉपिंग अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वही उसी के लिए जाएंगे हम लोग अभी सुपेला। तनशा जी, आपको कैसा लगा? ठीक ठाक। ओकेश, थोड़ा जल्दी आते तो थोड़ा फ्रेश रहता है खाना। हाँ, एक ये बात है कि मतलब बारबेक्यू नेशन में तो सब क्लोज रहता है ना, बंद है, तो खाना फ्रेश रहता है। यहाँ सब ओपन में रह के खाने का मॉइस्चर उड़ गया था, तो फ्रेश नहीं लग रहा था। वही बस एक बात थी, बाकी तो बहुत अच्छा था। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर। शीरो, मम्मी गेट खोलो। शीरो, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।